गुरुग्राम में रविवार को जमकर बरसात हुई और इस बरसात की वजह से गुरुग्राम की सड़कें एक बार फिर से दरिया बन गई। इतना बुरा हाल इस बारिश में गुरुग्राम का हो गया, ऐसा हाल कभी गुरुग्राम का पहले नहीं हुआ। कहने को तो मिलेनियम सिटी है, लेकिन आज ये जलग्राम जरूर बन गया है। एक एक तस्वीर आपको गुरुग्राम के उस इलाके की हम दिखाएंगे जहां पर भारी बरसात के बाद गुरुग्राम में जल भराव हो गया, लोग परेशान होते हुए नजर आए, अपनी गाड़ियों को धक्का मारते हुए नजर आए और जिला प्रशासन को और सरकार को कोसते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक आप लोगों ने भी सुना है कि बारिश होती है तो जलभराव होता है, नगर निगम कोई काम नहीं करता है, जीएमडीए कोई काम नहीं करता है, जिसकी वजह से गुरुग्राम में इस तरह के हालात हो जाते हैं। रविवार सुबह 5 बजे से ही गुरुग्राम में झमाझम बरसात हो रही है। सुबह 5 बजे जब बारिश शुरू हुई तो ऐसा लगा कि बादल कभी थमने वाले नहीं है। दोपहर लगभग 12 बजे तक गुरुग्राम के कई हिस्सों में ये बादल जमकर बरसे हैं। अब जीएमडीए कैसा काम कर रहा है, एक एक तस्वीर मैं आप लोगों को गुरुग्राम की आज दिखाने वाला हूं, बारिश के दौरान की भी और बारिश के बाद की भी, कि गुरुग्राम में इस बारिश के बाद क्या से क्या हो गया है। पहली तस्वीर जो मैं शुरुआत कर रहा हूं वो एक तस्वीर जरा आप देख लीजिए, और कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है। ये बोलती हुई तस्वीर है, बोलती हुई तस्वीर इसलिए है कि जरा आप ये जो ब्लू कलर का बोर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है इस तस्वीर में, इस बोर्ड पर जो लिखा है वो आप जरा ध्यान से पढ़िए, गौर से पढ़िए। इस बोर्ड पर लिखा है गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, गहरे सीवर का खुदाई जारी है, ये यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर सीवर का काम किया जा रहा है। और ये लोकेशन मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूं, ये गुरुग्राम का सबसे व्यस्तम वो इलाका है, वो चौक है जहां पर सुबह शाम ट्रैफिक जाम रहता है और वहां के हालात ऐसे हैं। ये आपने सही पहचाने, जो यहां से रोजाना गुजरते होंगे उन्होंने शायद तस्वीरों से अभी तक पहचान कर ली होगी, ये गुरुग्राम का सुभाष चौक है। और सुभाष चौक पर आप देखिए कि अभी तो गहरे सीवर की खुदाई का काम किया जा रहा है, इसीलिए यहां पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि कोई इस सीवर में गिर ना जाए और हादसे का शिकार ना हो जाए। अब आप सोचिए कि आधे से ज्यादा मानसून बीत चुका है और इस दौरान भी अभी भी गहरे सीवर की खुदाई का काम किया जा रहा है। मानसून से 4 महीने पहले ही गुरुग्राम जिला प्रशासन के अधिकारी बैठ के करना शुरू कर देते हैं, करोड़ों रुपए की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि इस बार गुरुग्राम के टैक्स पेयर्स का पैसा कैसे खर्च करना है, उनको कैसे सुविधा देनी है। लेकिन सुविधा के नाम पर मिलता क्या है वो आप लोगों के सामने ये तस्वीर है, गुरुग्राम के सुभाष चौक की तस्वीर। एक बार मैं आपको जरा 360 डिग्री दिखाता हूं, आप देखिए कि आपको यहां पर सड़क दिखाई नहीं देगी कहीं पर, यहां पर आपको वो मिट्टी का पानी नजर आएगा कि एक तो मिट्टी इतनी है यहाँ सड़कों पर और दूसरा पानी ऐसा हो गया है कि मानो हम किसी तालाब में खड़े हैं, अचानक गुरुग्राम में जो है वो समुद्र आ गया है, दरिया बन गया है। ये तस्वीर यहाँ की, हालात ये है। बहुत बार हमने आप लोगों को तस्वीर सुभाष चौक की दिखाई है, लेकिन ये तस्वीर भी आप लोगों को एक बार फिर देखनी चाहिए कि जो मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन की तरफ सड़क जाती है उन दोनों तरफ सड़क पर भारी जलभराव हो गया है, कमर से ऊपर तक पानी भर गया है सदर पुलिस स्टेशन। ये पुलिसकर्मी भी बेचारे परेशान हैं कि कब जीएमडीए और नगर निगम उनकी सुध लेगा और बरसात में इस जलभराव से उनको निजात दिलाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दो चार होना पड़ रहा है सुभाष चौक पर जलभराव से तो वो गुरुग्राम पुलिस का सदर पुलिस स्टेशन है, यहाँ के पुलिसकर्मी है। यहां पर पानी इतना है कि जब इस पानी से ट्रैक्टर निकल कर आ रहा है तो ट्रैक्टर का पिछला टायर आपको दिखाई नहीं देगा। अब आप खुद सोचिए कि यहां पर कितना पानी बरसा है और कितना भारी जलभराव यहां पर हो गया है। यहां पर अगर अभी भी सीवर की खुदाई का काम किया जा रहा है तो आप खुद सोचिए कि पानी जाएगा कहां, आखिर ये कमी किसकी है। हम क्यों ना बार बार इसके लिए जीएमडीए को ब्लेम करें कि उनकी लापरवाही की वजह से गुरुग्राम में जलभराव होता है, नगर निगम को क्यों ना ब्लेम करें जब वो इस तरह के काम करते हैं कि गुरुग्राम में जलभराव होता है, मानसून के दौरान तो वो सीवर की खुदाई करते हुए मिलते हैं। लेकिन आपको कहीं भी सड़क पर या गलियों में कहीं भी आपको नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी नजर नहीं आएंगे, ना जीएमडी के कर्मचारी काम करते हुए नजर आएंगे जलभराव के दौरान। इसी चौक के नीचे भी एक सड़क गुजर रही है, आप लोगों को पता ही है, जिसको हम सुभाष चौक अंडरपास बोलते हैं, उसकी भी आप एक बार तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर उस अंडरपास की है जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है। यहां भी पानी भरना शुरू हो गया है, सड़क के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। आज रविवार है, आप लोगों को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप जलभराव में फंस जाएंगे। इसीलिए मैं ये तस्वीरें आप लोगों के लिए खुद इस पानी में उतरकर आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आया हूं, हमारी टीम बनाकर लेकर आई है और हमारे कुछ दर्शकों ने भी हमें कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, भेजी हैं, वो भी तस्वीरें मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम सोना रोड की तरफ, तो जेएमडी मेगा पॉलिस के सामने आप देखिए सड़क का क्या हाल हो गया है। ऊपर तो एलिवेटेड फ्लाईओवर बना दिया करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ों रुपए का, नीचे सर्विस लेन भी बनाई
चलो टूटी फूटी नहीं है, सही सलामत तो है, लेकिन बनाई इसलिए कि ताकि यहाँ पर ट्रैफिक ना लगे, और शायद इस एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने का मकसद भी यही था कि सोना रोड को जाम मुक्त किया जाए, लेकिन जाम मुक्त रहे कैसे। प्लानिंग ऐसी की गई है कि यहाँ जब नॉर्मल डेज में गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं, तो सोचिए ऐसे रेनी सीजन में जिस दिन इतनी मूसलाधार बारिश हो जाए उस दिन गाड़ियां कैसे निकलेंगी। आप हालात देख लीजिए, यहाँ के सड़क पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। यहां तक कि एक कार चालक को तो यह समझ में नहीं आया कि इस सड़क पर डिवाइडर कहां है और सड़क कहां है, तो उसने डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ा दी। आप खुद देख लीजिए, ये तस्वीर में रिकॉर्ड हुआ है ये। और इस तरह से गाड़ियां एक लेन में होकर जो एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे से सड़क गुजर रही है उस एक लेन में गाड़ियां चल रही है। इस वजह से यहां पर लोग घंटों घंटों फंसे रहे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज रविवार है, आज आप घर से बाहर मत निकलिए, इस मौसम का आनंद लीजिए, घर में चाय पकौड़े का आनंद लीजिए और घर ही बैठे रहिए। आपको घर से बाहर जाने की आवश्यकता है नहीं, कोई जरूरी ज्यादा काम हो आप तो जा सकते हैं, नहीं तो हालात मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहां से थोड़ा और आगे घूम के अगर हम चलेंगे सीसपाल बिहार की तरफ, सेक्टर 50 सेक्टर 51 की तरफ, तो आप सीसपाल बिहार के सामने से तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां तो आवाजाही बंद हो गई है गाड़ियों की, क्योंकि यहां से गाड़ियां निकल नहीं सकती। आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि सामने मेला लग रहा है, लोग छाता लेकर अपने बदन से कपड़े उतारकर इस पानी में नहा रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि गुरुग्राम नगर निगम ने, जीएमडीए ने ऐसी सुंदर व्यवस्था जो की है गुरुग्राम वासियों के लिए कि वो सड़कों पर अब गाड़ियां अगर ना चले तो आप तैराकी का मजा ले सकते हैं। किसी को तैरना नहीं आता है तो तैर सकते हैं। कोई सबक नहीं लेना आया है गुरुग्राम के अधिकारियों को, ये हालात गुरुग्राम के हो गए हैं। यहां से और जरा थोड़ा और आगे हम बढ़ लेते हैं, हम सेक्टर 50 आर्केडिया मार्केट के पास पहुंचे हैं। तो यहां देखिए, यहां तो आपको डिवाइडर ही नहीं दिखाई देगा कि कहां है, दोनों सड़क मिलकर एक हो गई है। जो काम जीएमडीए नगर निगम नहीं कर पाया वो बरसात ने कर दिया, बरसात ने ऐसे कर दिया कि बीच का जो 1.5 फुट का डिवाइडर है वो डिवाइडर गायब हो गया है, और पूरी सड़क पर ऐसे लहरें उठ रही हैं कि मानो आप किसी नदी के किनारे या फिर किसी समुद्र के किनारे आप बैठे हैं। इस तरह से लहर का झोंका आता है आपके पास और आप भीग जाते हैं। गाड़ियों के बोनट तक डूब रहे हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, और इस समस्या से सबसे ज्यादा 2-4 कौन हो रहा है, वो डिलीवरी बॉयज जो हम जैसे लोगों के पास, जो हम लोग घर पर बैठकर आज ऑर्डर्स दे रहे हैं ना इस सुहावने मौसम को देखकर कि आज कुछ चटपटाया खाया जाए, बाहर का मंगाया जाए, तो ये वो डिलीवरी बॉयज हैं बेचारे जो इस बारिश में भी, इस जलभराव में भी काम कर रहे हैं और आप तक वो डिलीवरी लेकर आ रहे हैं। ऐसा आम आदमी है जो इस सड़क पर फंसा हुआ है, आज सभी लोग ऐसे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां इस पानी में बंद हो रही हैं। घड़ी मत है कि मेरी गाड़ी बंद नहीं हुई, ये आप देख लीजिए खुद गाड़ी के अंदर से मैंने जो वीडियो बनाई है आप देख लीजिए सामने कैसे लहर उठ रही है जब गाड़ी चल रही है तो। और आगे जाकर जब हम सेक्टर 51 की तरफ बढ़ते हैं यहां से गुडर्थ मॉल के सामने से, तो वहां तो और ज्यादा बुरे हालात हो गए हैं। यहां तो हमें कई गाड़ियां सड़कों पर खराब पड़ी हुई मिली हैं, पेड़ टूटकर गिर गए हैं सड़कों पर, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी खराब हो गई है। मेफील्ड गार्डन के सामने कई गाड़ियां एक साथ खड़ी हो गई, और इन गाड़ियों के खराब होने के बाद जो बाकी गाड़ी चालक हैं वो बेचारे परेशान हो गए, वो संकट में आ गए कि वो अपनी गाड़ियों को आगे लेकर जाए या ना जाए, क्योंकि अगर वो अपनी गाड़ियों को आगे लेके जाएंगे तो उनकी गाड़ी भी हो सकता है इसी तरह बंद हो जाए और वो भी दिन भर फिर यहीं पर फंस जाए। मुसीबत अब इन लोगों के लिए और कम नहीं है, क्योंकि एक तो गाड़ी फंसने का डर है, और अगर सड़क पर ही खड़े रहे, बारिश हो रही है लगातार, ये पानी का स्तर और बढ़ता जाएगा, ऐसे में उनकी गाड़ी वैसे भी खराब हो जानी है, गाड़ी बंद हुई तो गाड़ी खराब। इसीलिए लोगों की सबसे ज्यादा परेशानी आज बन गया है गुरुग्राम में हुआ ये जलभराव, भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। गुरुग्राम में लगभग हर जगह इसी तरह के हालात हैं। अब मैं कुछ और तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं कि आखिरकार गुरुग्राम में जलभराव क्यों होता है। अभी तक एक तस्वीर दिखाई दी जहां गहरे सीवर का काम चल रहा है, चलो मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो सीवर कंप्लीट है, जिसमें पानी जाता है, कम से कम ये बात तो कन्फर्म है। कैसे कन्फर्म है, आप ये तस्वीर देखिए, इस सीवर में पानी जाना चाहिए लेकिन ये पानी बाहर फेंक रहा है। अब वजह कुछ ना कुछ तो होगी। अब ये वजह या तो जीएमडीए के अधिकारी बता सकते हैं या नगर निगम के अधिकारी बता सकते हैं कि सीवर जो बनाया जाता है, मेन होल बनाया जाता है ताकि उसमें पानी जाए, अगर सड़क पे कोई वाटर लॉगिंग हो गई है वो पानी उस सीवर में गिरे, लेकिन यहां तो ये पानी अंदर से फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा है। और फिर ये कहते हैं कि हमने तो साफ सफाई कर दी है, वहां हम मानते हैं वाकई में कि साफ सफाई कर दी है, इसीलिए पानी इतनी स्पीड से आ रहा है, अगर साफ सफाई ना हुई होती तो ये पानी ऐसे बाहर ना आता। काम तो किया है नगर निगम ने, लेकिन ये कैसा काम है कि ये रिवर्स हो रहा है, पानी जाना चाहिए था पानी बाहर आ रहा है, और यही वजह है गुरुग्राम में जो जलभराव होता है। अब तक लोग पूछते आए हैं कि नगर निगम को गालियां देते हैं, जीएमडीए को गालियां देते हैं, वो तो अपना काम करते ही हैं, उनको क्यों गालियां दी जाती है। तो ये तस्वीर वो है जो बयां कर रही है कि हाँ, नगर निगम और जीएमडीए काम करता है और उनको गालियां क्यों दी जाती है।
ये तस्वीर उस बात की गवाह है। आज जगह जगह जलभराव हो गया, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनको पानी मिल रहा है, गाड़ियां पानी में फंसी हुई है। मैं साउथ सिटी 2 की तस्वीर दिखा देता हूं अंदर की, आप देखिए कि कॉलोनीज में किस तरह से पानी भरा हुआ है, गाड़ियां निकल नहीं सकती है यहां से, लोग छाता लेकर खड़े हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कॉलोनी का पानी बाहर सड़क पर उड़ेला जाए ताकि घर में जो और कॉलोनी में जो गाड़ियां खड़ी हैं वो गाड़ियां ना खराब हो जाए, घरों में पानी ना घुस जाए, इसीलिए लोग खुद मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम और GMDA का कोई अता पता है ही नहीं। अब मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं जो हमारे दर्शकों ने हमें उपलब्ध कराई है। सेक्टर 67 की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूं जो अभी हमारे दर्शक ने हमें भेजी है। ये वो तस्वीरें हैं जो लोग खुद सड़कों पर निकले हैं, जिन्होंने कुछ वीडियोस बनाई हैं वो हम लोगों तक पहुंचाई है, तो हमारा ये फर्ज है कि आप तक सभी चीजें पहुंचे, वो मैं आप लोगों तक दिखा रहा हूं। अब मैं अगली तस्वीर एक और दिखाता हूं आप लोगों को, सेक्टर 56 की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर लोग तैराकी करने लगे हैं, अभी तक तो बच्चों की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी शीशपाल विहार के सामने की, लेकिन अब सेक्टर 56 में आप देखिए कि बड़े बड़े लोग भी तैराकी का लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि उनकी सोसाइटी के बाहर इस तरह से पानी भर गया है, कमर से ऊपर पानी आ गया इसलिए लोग तैराकी कर रहे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं जो तमाम गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। मैं आपको बजगेड़ा अंडरपास की तस्वीर दिखाता हूं, बजगेड़ा अंडरपास में देखिए कितना पानी भर गया है, यहां से गाड़ी जा ही नहीं सकती है, इतना पानी यहां पर भर गया है कि यहां से गाड़ियां गुजर नहीं सकती है, चाहे अंडरपास हो, चाहे गलियां हो, चाहे सड़कें हो, हर जगह इसी तरह के हालात हो गए हैं। सेक्टर 4 और सेक्टर 6 के आसपास की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, कॉलोनी के अंदर की कॉलोनीज में भी इतना पानी यहां पर भरा हुआ है। पटेल नगर की तस्वीर आप देख लीजिए, पटेल नगर में भी इस तरह के हालात बने हुए हैं, हर तरफ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह बारिश हुई तो हम इतनी देर खबर क्यों कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो तस्वीरें आप लोगों को दिखाई है सेक्टर 50 की, सेक्टर 51, सोहना रोड, सुभाष चौक, ये तस्वीरें जब हम सड़कों पर निकले हैं ना तो वहां पर बनाने में समय लगता है, मुझे 4 घंटे का समय लगा ये तस्वीरें आप लोगों तक लाने के लिए, एकत्रित करने के लिए, क्योंकि एक तो सड़कों पर ट्रैफिक, उस पानी से ये खतरा मोल लेकर अपनी गाड़ी को लेकर जाना कि कहीं अगर गाड़ी खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, एक न्यूज ही तो है, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि शहर के हालात ना केवल आप तक पहुंचाएं बल्कि उन अधिकारियों की, उन सरकारी कर्मचारियों के दावों की पोल भी खोलें जो मानसून से पहले बड़े बड़े दावे करते हैं कि इस बार गुरुग्राम में जलभराव नहीं होने देंगे हम, और अगर जलभराव होगा तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम बिना कोई परवाह किए आप लोगों के लिए, उन अधिकारियों की नींद खोलने के लिए हम सड़कों पर उतरते हैं इस तरह की तस्वीर आप लोगों तक लाने के लिए। अब यह हालात पता नहीं गुरुग्राम के कब सुधर पाएंगे, इसी तरह हम हर साल हर बारिश में इसी तरह जलभराव झेलते रहेंगे, इसी तरह मुसीबतों से दो चार होते रहेंगे और अपना टैक्स भी हम चुकाते रहेंगे, शायद हमें आदत पड़ गई है, आवाज हम नहीं उठा पा रहे हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।